बहुत स्वागत है आप सभी का एचएन ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना हौसला बनाए रखिए। इसके अलावा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अपने लिए तो कुछ अपनों के लिए। जी हां, हम चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत आने वाले अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 3 में हमने 85 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 86, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर क्या होगा? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। ठीक है ना, तो यहां से एक चीज याद आ गया। देखिएगा, एक बार की बात है, एक होटल पर चार पांच लोग जो है चाय पी रहे थे। उसमें एक आदमी पहुंचता है और वहां पर ये कहना शुरू करता है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो सबके सब नाउन हो। बस एक आदमी उसमें से भड़क गया कि अपना जुबान संभाल करके बात करिएगा, हम नाउन है। तो उस आदमी ने कहा, हाँ आप सबके सब नाउन हो तो ठीक है। तो उस आदमी ने कहा, क्या कहा कि देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। ये चीज उसने बताया, यानी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87, तो इसलिए हम आपको कह सकते हैं आप भी नाउन हो तो भड़किएगा नहीं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 87, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द नहीं है। क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार जो बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। और विकारी शब्द हिंदी में चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण। चलिए और संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष। संज्ञा क्या है? विशेष है। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। कुत्ता काला है तो कुत्ता क्या होगा? उसमें विशेष होगा। और काला क्या होगा? विशेषण होगा। चलिए प्रश्न नंबर 88 की तरफ बढ़ते हुए, संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही सरल जवाब, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। संज्ञा की परिभाषा बताना है। चलिए आप बताइए पहले। चलिए बहुत अच्छे से बताया आपने, वो भी इंग्लिश में आपने बताया, हिंदी में भी बता दीजिए एक बार। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए तो इसी परिभाषा आप खुद लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 89, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, साथ बोलते रहिए, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 पदार्थवाचक और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। साथ साथ बोलते रहिए। जी हाँ, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया 5, है ना। अब इसको देखिए क्या बनेगा ये, ठीक। अब देखिए ध्यान से, संज्ञा में आपको कितना दिख रहा है? संज्ञा में आपको 5 दिख रहा होगा, है ना। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इस तरीके से आप परीक्षा में गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि परीक्षा में यही नॉर्मल क्वेश्चन रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। वहां पर कभी 4 नजर आता है तो कभी 6 नजर आता है, कभी 3 नजर आता है, लेकिन अब आपको परीक्षा में सिर्फ 5 नजर आएगा, है ना। क्योंकि संज्ञा में आपको क्या दिखता है? 5। इसके पहले संज्ञा में आपको कितना दिखता था आप इतना बता दीजिए। तो 5 दिखाने का काम किसने किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब आपको चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख नहीं, चिड़िया की कार्निया दिख रही होगी, है ना। अब संज्ञा में संज्ञा नहीं दिख रहा होगा, संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 90, रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना।
ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 91, नदी का व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? तो नदी का नामकरण कर दीजिए ना, इसका व्यक्तिगत नाम रख दीजिए। तो नदी का नाम क्या क्या होता है? गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। गंगा, यमुना है ना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। तो इस तरीके से जो है नदी का व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? ठीक, इसका नामकरण कर दिया और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी जातिवाचक संज्ञा है, यानी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाया जा सकता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अगर ये कह दिया जाए कि गंगा, गंगा का जातिवाचक क्या होगा? तो गंगा का जातिवाचक नदी होगा। माउंटेन, पर्वत का जातिवाचक क्या होगा? सिर्फ पर्वत होगा, है ना। सोमवार, ये दिन का नाम है तो सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, इसका जातिवाचक क्या होगा? जो है इसका जातिवाचक दिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 92, नर, पर्वत, हाथी किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए, नर, पर्वत, हाथी, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत का नाम ले लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। पर्वत का नाम ले लीजिए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, सिर्फ पर्वत रखिए तो वो हो जाएगा आपका जो है जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब देखिएगा महासागर, महासागर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब किसी एक महासागर का नाम ले लीजिए, प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का गहरा महासागर है ना, प्रशांत महासागर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपका तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, है ना। चलिए, आप महासागर हो फिर भी ठीक है, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 93, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक। चलिए, वाष्प, धुआं किस प्रकार की संज्ञा है? तो वाष्प और धुआं, बिल्कुल सही कहा आपने, सोचते रहिए आप, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, वो सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जयकारा लगाते हुए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 94 नंबर पर, ठीक है ना। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि आपने खूब जम के तैयारी किया है, इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि आप महासागर हो, ठीक। चलिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस वाक्य में जो पंडित शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। और जो इंसान इतने ऑप्शन से नहीं समझ पाया, एक और ऑप्शन का इंतजार कर रहा है, वो कितना कंफ्यूज होगा ये सोचो। एक और ऑप्शन चाहिए क्या? इतने में से नहीं बता पा रहे हो? पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस वाक्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बताओ, एक और ऑप्शन का इंतजार कर रहे थे आप, सोचो, कहो हमने बोला नहीं, नहीं तो वही उत्तर होता आपका। तो यहाँ पंडित जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये नाम है। चलिए और आगे बढ़िए, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अभी भी सत्यवादी व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, सत्य की जो है हमेशा साथ देने वाले लोग हैं अभी, ठीक है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इस वाक्य में हरिश्चंद्रों कैसी संज्ञा है? तो यहाँ पर होगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों होगा? हरिश्चंद्रों इस वाक्य में सत्यनिष्ठ सत्यवादी व्यक्तियों की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हरिश्चंद्रों जातिवाचक संज्ञा होगा। बहुत जल्दीबाजी ना करें, देखो तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़े आज कैसे हो, वैसे हो, और फिर जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो फिर कैसे रह जाओगे, फिर वैसे रह जाओगे, इसलिए वैसे ना रहो, ऐसे रहो, ताकि ऐसे पढ़ो ताकि ऐसे हो जाओ, ठीक है ना। चलिए, ऐसे पढ़ते पढ़ते सबकी हो जाती है, क्या सिलेक्शन हो जाती है, ठीक, आपका भी होगा, किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है, आपका भी होगा, है ना, सिलेक्शन होगा, और क्या होगा। 96 देखिएगा, हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति थे, बिल्कुल सही बात है। अब इस वाक्य में हरिश्चंद्र किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस वाक्य में हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसको देख करके, इसको पढ़ के हंसिएगा नहीं, हर घर में विभीषण होते हैं, है ना, घर की बातें बताने वाले,
धर के भेदी है ना। हर घर में विभीषण होते हैं, आप भी देख लीजिए अपने घर में कोई है तो नहीं। ये वाक्य तो यही कह रहा कि हर घर में विभीषण होते हैं, चुंगली करने वाले है ना, घर की भेद बताने वाले। ऐसे लोगों से सावधान सतर्क हो जाइए, आपके घर में ही है, उनको ध्यान से देखिए। ये वाक्य में जो विभीषण है वो कैसा संज्ञा है, तो इस वाक्य में जो विभीषण है वो जातिवाचक संज्ञा है। ये ऐसा शब्द है जो भेदी व्यक्तियों के बारे में, जो चुंगली करने वाले लोग हैं उनके बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, कहीं गलती हो जाएगा तो क्षमा कर देना, और नहीं जो करना होगा आगे बढ़िए। 98 देखिएगा, विभीषण रावण का भाई था, इसमें कोई शक नहीं है। रावण विभीषण का भाई था और विभीषण रावण का भाई था। चलिए, अब विभीषण रावण का भाई था, इस वाक्य में विभीषण क्या होगा? विभीषण यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, रूप चेंज हुआ विभीषण का, आपका भी रूप चेंज होना चाहिए। विभीषण रावण का भाई था, इस वाक्य में विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि ये नाम है। ठीक है ना, और जिसका नाम है वही। चलिए और आगे बढ़िए, पूरा कर दिया करिए लाइन हमारी। गुरु पुरुष नारी का भाववाचक क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत सही बताया आपने, वैसे नहीं कहते आप महासागर हो, महासागरों में आप प्रशांत महासागर हो, सोचो। चलिए, गुरु का हो जाएगा भाववाचक गुरुत्व, देख देख लिख लो। पुरुष का क्या होगा, पुरुषत्व। ऐसे पढ़ते पढ़ते अचानक कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, क्या होगा, अरे सिलेक्शन होगा, और क्या होगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका चारों तरफ वो होगा, सोचो। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, कहीं 100 नंबर डायल कर दीजिएगा। चलिए, मिठाई भाववाचक संज्ञा है या मिठास, ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा। अरे समझने का प्रयास तो करो, समझने का प्रयास करो तब भी सीख पाओगे, और नहीं समझने का प्रयास करोगे तो ब्रह्मा जी भी साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, तब भी आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सा प्रयास भी करो। मिठाई भाववाचक संज्ञा है या मिठास, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मिठाई विशेषण है और मिठास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास विशेषण नहीं है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करो, नहीं कहो समझ में नहीं आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, सुंदर हो उसमें कोई शक नहीं। इस पर एक लाइन याद आ गई, मैं भी पहले बहुत स्मार्ट था, है ना, बहुत सुंदर भी था मैं, ठीक है ना, बस मैं काला चाय पीने लगा, और काला चाय पीते पीते देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरते हैं आप लोग भी। चलिए, सुंदर लाल धीर ये विशेषण है, इसका भाववाचक क्या होगा। देखिए, सुंदर का भाववाचक होगा सुंदरता, सुंदर में क्या जोड़ दीजिए, सुंदरता, ठीक है ना। लाल का, लाल विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक क्या होगा, लालिमा, कालीमा नहीं लालिमा, ठीक है ना। अभी लालिमा कौन है, लालिमा लिखा है मैंने, ठीक है। धीर का क्या होगा, धैर्य, या और क्या होगा, धीरता भी इसका भाववाचक संज्ञा होगा। और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, जिसने धैर्य बनाया है उसी को सब कुछ मिला है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ धैर्य भी बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है ना, चढ़ना पढ़ना लिखना का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो चढ़ना पढ़ना लिखना ये क्या है, ये क्रिया है। अब चढ़ना का क्या होगा, चढ़ाई, धन्यवाद। पढ़ना का क्या होगा, पढ़वाना, भाववाचक संज्ञा होगा। वाना जोड़ दीजिए, ई जोड़ दीजिए, पन जोड़ दीजिए। लिखना क्या है, लिखना का लिखावट, आवट जोड़ दीजिए, है ना, पा जोड़ दीजिए, ता जोड़ दीजिए, पन जोड़ दीजिए, बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाने में क्या है ना, खाली परीक्षण तो गलत होता है, बाकी जानकारी में थोड़ी ना कमी है हमारे और आप में। कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है ओवर कॉन्फिडेंस में, कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं तो ये जानता हूं, मुझे ये आता है, मैं तो पृथ्वी पलट सकता हूं। लेकिन जैसे ही गलती होती है समझ में आ जाता है कि कितनी औकात है हमारी, ठीक है ना। चलिए, निकट
नीचे कम, ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय नहीं है, अव्यय है। नहीं, इसका अर्थ आप तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करो। निकट, नीचे, कम, ये अव्यय है और इसका भाववाचक बताना है। तो निकट का क्या होगा? अरे कितना आसान है, हाउ मच इजी। निकटता होगा और क्या होगा? नीचे का क्या होगा? नीचपन, है ना। कम का क्या होगा भाववाचक? कमी होगा। अव्यय किसे कहते हैं? अरे अव्यय अविकारी शब्द होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अविकारी ही अव्यय है और अव्यय ही अविकारी है और क्रिया विशेषण भी अव्यय है और क्रिया विशेषण भी अविकारी है। कंफ्यूजन तो नहीं हुई कि? और बता दें। चलिए इतना समझिए, क्वेश्चन नंबर 104। तो कुछ लोग कमेंट्स करके ये कहते हैं कि मतलब आप पढ़ाते समय हंसते नहीं है, तो हम इस पर एक बात बता दें आपको। एक बार क्लास था हमारा, स्पेशल क्लास था, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो पूरी जीवन चलती ही रहेगी, ठीक है ना। तो स्पेशल क्लास था हमारा, तो उसमें सभी बच्चे आए थे, काफी 250-300 का स्ट्रेंथ रहा होगा। तो उस दिन हम भी बिल्कुल अपडेट होकर के आए थे, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन करके आए थे, क्लास पूरा भरा हुआ था। क्लास हमने पढ़ाना शुरू किया, लगभग आधा घंटा बीत गया, 35-40 मिनट बीत गया। उसके बाद एक लड़का उसी भीड़ में से खड़ा होता है, साइलेंट क्लास बिल्कुल, लड़का खड़ा होता, कहता है कि सर आज बहुत आप स्मार्ट लग रहे हैं आज। उसने क्या कहा? सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा, ठीक है ना। लेकिन जब वो बैठने लगा, सुनिएगा ध्यान से, जब वो बैठने लगा तो उसने कहा जब हंसते हो आप तो बहुत खराब लगता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया उस समय कि उसने मेरी तारीफ किया था या बेइज्जती। क्लास के बाद उस बालक को मैं ढूंढता रहा उसे ये पूछने के लिए कि आपने मेरी तारीफ किया है या बेइज्जती। वो बालक आज तक नहीं मिला, ठीक है ना। चलिए तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। अपने बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। अब समझ लीजिए मेरी कितनी वो है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? अरे भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में या अव्यय में, उसके लास्ट में यानी उसके अंत में प्रत्यय के रूप में आप जोड़ दीजिए ता, ठीक है ना। ता और वा जोड़ दीजिए, पन जोड़ दीजिए, आवट जोड़ दीजिए, है ना, आपा जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए सब, तो वो बन जाएगा। इमा जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा आदि लगा दो। आग नहीं लगाना है, आदि, है ना। यानी और बहुत से शब्द हैं जिनको जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, ठीक है, 105। मेला, सब लोग देखने जाते हैं, मेला में जाते तो खोंचा खाते हैं, है ना। चलिए, मेला, ताश, वर्ग, किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ये पूरे समूह को बता रहा है, ठीक है ना। तो मेला में लोग जाते हैं, खोंचा खाते हैं, बतासा भी खाते हैं। जो बतासा बनाने वाला होता है उसके हाथ में इतना कचरा रहता है ना, बिल्कुल से कितने का चाहिए, आए लाइन लगा लिया हम लोगों ने खाने के लिए, और जो होता नहीं, जो पानी जिसको बनाया होता उसी में इसे मिला करके, हाथ और इसे मिला के, और फिर वही खिलाता हम लोग को, हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। और घर पे किसी थाली में थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर गंदा लगा है तो घर पे वो चीज नहीं चलेगा। लेकिन बाहर जब हम लोग बतासा खाते हैं उसका हाथ नहीं देखते कितना साफ है कितना नहीं, उसी में मिलाया, उसी में मिला के खिलाया और मस्ती से हम लोग खाते हैं और पैसा पूरा दे करके आते हैं। चलिए क्षमा करेंगे अगर हो जाएगी गलती तो। 106 की बात करें, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है ना। तो रामचरितमानस कैसा संज्ञा है? तो रामचरितमानस ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो ग्रंथ क्या होगा, ये ग्रंथ जातिवाचक संज्ञा है। यानी ग्रंथ में किसी का भी ग्रंथ आ सकता है, हिंदुओं का ग्रंथ, मुस्लिमों का ग्रंथ, ईसाई का ग्रंथ, है ना। किसी ग्रंथ का नाम ले लीजिए, कुरान, है ना, गीता, पुराण, ये सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की, द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को और क्या कह सकते हैं? बहुत आसान जवाब, पदार्थवाचक संज्ञा। ये सब नौकरी दिलाने वाले शब्द हैं, ये शब्द नहीं आपकी जिंदगी है। थोड़ा ध्यान से देखो, जिंदगी दिख रही कि अंधकार में दिख रहा है, और ध्यान से देखो,
चलिए दिखा जिंदगी ना। वेरी गुड। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा आपने, यही पदार्थवाचक संज्ञा है। और पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर पूछ लिया कौन सी संज्ञा है तो भड़किएगा नहीं, भागिएगा नहीं एग्जामिनेशन में से, कि बाहर पुलिस लगी होती पकड़ लेगी आपको। तो ऑक्सीजन जो है पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत, गैसीय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पदार्थवाचक तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, अगर साइंस वाले देख रहे तो भड़क जाएंगे, कहेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था नहीं बताए प्लाज्मा, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा होगा तो कहेंगे पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो आइंस्टीन अवस्था होती है, उसको भी नहीं बताया उन्होंने। तो जज करना छोड़ दीजिए, इसको भी देखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है? पांच प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक संज्ञा, नंबर दो सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, और किससे? विशेषण से, और किससे? अव्यय से। देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, अगर देख नहीं पा रहे हैं तो लिख लीजिए, है ना, सुन के लिख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके वो प्रत्यय ये जोड़ दीजिएगा और भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से किया जा सकता है? पांच तरीके से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, बहुत जल्दीबाजी ना करें, है ना। आप ये बताइए, अभी तक जैसे पढ़ रहे थे आज कैसे हो? वैसे हो, और वैसे फिर पढ़ते रहोगे तो फिर कैसे रहोगे? फिर वैसे रहोगे, इसलिए ऐसे पढ़ो ताकि ऐसे हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 110, संज्ञा के भाग कितने हैं? संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, एक पहला भाग और एक दूसरा भाग। ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग के अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार पर, कौन सी पत्ति? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर संज्ञा पांच प्रकार की होती है। संज्ञा में पांच दिख रहा है तो क्यों नहीं बता रहे हो आप उसको? चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगर एग्जामिनेशन एग्जामिनर का दिमाग चढ़ जाए, वो ये पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब बता देना उसको कि तीन प्रकार की होती है। अगर ये पूछे कि कौन कौन सी होती है, तब बताना रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा है। इसमें जितने भी शब्द हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, वो संज्ञा यहाँ पर तीन प्रकार की बताई जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, रूढ़ शब्द, बूढ़ शब्द नहीं, बूढ़ शब्द नहीं, रूढ़ शब्द, थोड़ा ध्यान से सुनो, कान भी साफ रखो अपना, है ना। तो ईश्वर ने दो कान क्यों दिए हैं? क्योंकि इधर से सुनो उधर से निकाल दो, इसलिए नहीं दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि दोनों कान से सुनो, ठीक है ना। मुझे लगता है एक कान की कमी, एक कान ऊपर होना चाहिए था ताकि तेल ओल डालने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये बताओ, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो वर्णों के मेल से बनते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अरे जो शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सुन लो ध्यान से, जो अच्छे से सुन सकता है ना वो अच्छे से सुना भी सकता है। आम, देखिए वर्णों के मेल से, कान है ना सबके पास, नाक, ठीक, हाथ, ये वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, दो शब्दों के योग से बनते हैं और तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे एक दंत, अब वहां बैठ के ना कहिएगा दयावंत, एक हो गया एक शब्द, दंत हो गया दूसरा शब्द, दोनों शब्द मिलकर के बनेगा एक दंत, अर्थात श्री गणेश जी, शंकर जी के पुत्र। ठीक है ना, तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला? अरे नहीं निकला हो तो दशा नन, दस प्लस आनंद अर्थात रावण, जी नहीं लगाना है, जो भी जी लगा दो, रावण, ठीक है ना। विषधर, विषधर अर्थात शिव जी। तो इन शब्दों में क्या है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि यू कह लीजिए आप कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होंगे
वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। कितना आसान है देखिए समझना। क्वेश्चन नंबर 114, सुनते रहिए देखते रहिए एचएलसीटी जीके चैनल। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बनते हैं और तीसरा अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। हम नहीं प्रकट करते तो हम क्यों प्रकट करें? जैसे कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में आप देख पा रहे हैं दो शब्दों के मेल से बना हुआ है लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अब नहीं निकल रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? रसोई घर, इस पर आपका दिमाग 24 घंटा लगा रहता है कि कुछ ना कुछ खाने वाला बन रहा है, कुछ ना कुछ पीने खाने वाला बन रहा है। रसोई घर, छात्रावास, है ना, मधुशाला, इन सब में क्या है? यानी यूं कह लीजिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले जो समास है वो यौगिक समास के अंतर्गत आएंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 115 देख लीजिएगा। पद के कितने भेद होते हैं? पा से पद, पा से पांच, पद के पांच भेद होते हैं। उन पांचों के नाम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, थोड़ा आप भी मेहनत करते रहो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, पांच हो गया। अब एक और का इंतजार ना करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। पद और शब्द में क्या अंतर है? बहुत सही सवाल, पद और शब्द में क्या अंतर है? ध्यान से देखो कितना आसान है। देखिए ये लिखा हुआ राम, आम नहीं राम, ठीक है ना। राम क्या है? राम एक शब्द है। अभी देखिए यही शब्द अभी बदल जाएगा, सोचो जैसे इंसान बदल जाता है, ठीक है ना। राम है ये शब्द है, अभी देखिए कैसे बदलेगा। राम पढ़ता है, अब इस वाक्य में राम क्या है? राम पद है। यानी कि जब शब्द अकेला होता है तो क्या, जब कोई शब्द अकेला है तो ये शब्द है, और जैसे इसी वाक्य में रख दिया जाए तो वही शब्द क्या हो जाता है? वही शब्द पद बन जाता है। यानी शब्द ही पद है और पद ही शब्द है। चलिए वेरी गुड, थैंक्स टू मी, क्योंकि मैं ही तो बता रहा हूं। चलिए आपको भी धन्यवाद देखने के लिए। लोहा पदार्थ वाचक संज्ञा के अलावा और कौन सी संज्ञा हो सकती है? तो बहुत सही जवाब इसका है, लोहा पदार्थ वाचक के अलावा जातिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। अब इसी का नामकरण कर दीजिए आप, लो पिटवा, लोहा ढलवा, लोहा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 प्रश्न नंबर अंतिम पे पहुंच चुके हम लोग। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। पैसा नहीं लगेगा उस पर, एक रुपया भी नहीं लगेगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक। चलिए ऊन किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत आसान, पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। हाउ मच इज इजी, तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।